सियाना के दौलतपुर कला में सड़कों का हाल बेहाल नहीं सुनते विधायक। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पानी और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। बुलंदशहर की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसा कस्बा सियाना अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया। वर्तमान में ये सीट भाजपा ने दूसरी बार जीती है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में यहाँ के दूसरी बार के विधायक बने देवेंद्र सिंह लोधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। बता दें कि चुनावों के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। देवेंद्र लोधी को कई गांवों से बैरंग लौटा दिया गया था, क्योंकि देवेंद्र लोधी ने अपने क्षेत्र में कभी जाकर देखा भी नहीं था। 5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद जब यह जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने नकार दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लहर के चलते जनता ने भाजपा को वोट दिया। उसी देवेंद्र लोधी की नैया भी इस दौरान पार उतर गई। जीत जाने के बाद फिर से उसी ढर्रे पर चल रही हैं। उक्त विधानसभा क्षेत्र का ही एक कस्बा है दौलतपुर कला, जिसे दौलतपुर के नाम से भी बोला जाता है। जहांगीराबाद रोड से जब वापस गांव में एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत गंदे पानी से किया जाएगा। नाले अटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पता ही नहीं है कि पानी के नीचे सड़क भी है या नहीं है। आधे क्षेत्रीय लोग परेशानियों का सामना करते हुए यहां से पार होते हैं। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर क्या फायदा जो जनता के बारे में ना सोचे, या यूं कहें कि अपने ही समाज के बारे में ना सोचते। और महीनों से टूटी इन सड़कों की दशा ऐसी है कि गुजरने वाले राहगीर आए दिन इसमें गिरकर चोटिल होते रहते हैं। सड़क में लगभग 1 फुट गहरे तक गड्ढे हैं, जिसमें गिरकर लोग गंभीर घायल हो रहे हैं। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।